आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हरिद्वार में 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। शुक्रवार को पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। सर्वाधिक गर्म रहा 29 अप्रैल का दिन। तो धर्मनगरी में शुक्रवार को पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिसे इस बार का 29 अप्रैल यहां बीते 50 सालों में सर्वाधिक गर्म दिन होने का रिकॉर्ड बन गया। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है। अप्रैल आखिरी हफ्ते में तापमान ने उतार चढ़ाव है। बृहस्पतिवार को तापमान 37.5 डिग्री था, जो शुक्रवार को अचानक 40.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि न्यूनतम भी 24 डिग्री सेल्सियस आ गया। एक दिन पूर्व न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। मौसम विभाग के शोध पर्यवेक्षक नरेंद्र रावत ने बताया कि इस बार बीते 50 सालों में 29 अप्रैल को सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। 3 मई को भारी बारिश की संभावना। तो मैदान से लेकर के पहाड़ तक पिछले कई दिनों से गर्मी की तपिश झेल रहे लोगों के लिए खबर राहत देने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने और हवाओं के दबाव के चलते 3 मई को राजधानी दून समेत मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त बारिश की संभावना है। वहीं अगले 48 घंटे में पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना है। कोरोना प्रदेश में बाहर से आने वालों की जाँच जरूरी नहीं। तो उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए कोविड जांच और वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। 2 साल बाद यात्रा में भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों के आने की संभावना है। राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए कोविड जांच को लेकर के भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश पर मुख्य सचिव ने शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 4 धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए अग्रिम आदेशों तक बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों व श्रद्धालुओं को राज्य की सीमा पर होने वाली असुविधा व भीड़ से बचाव करने के लिए कोविड जांच और वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं है। 10 राज्यों के 23 जिलों में फैला कोरोना संक्रमण, 1.5 गुना बढ़ी मौतें। तो 10 राज्यों के 23 जिलों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इन जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से कहीं अधिक पहुंच गई है। वहीं शुक्रवार को देश में लगातार दूसरे दिन 3000 से अधिक नए संक्रमित मिले। इस बीच मरने वालों की संख्या में करीब 1.5 गुना की बढ़ोतरी हुई। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि केरल के साथ अब कर्नाटक भी पुरानी मौत का हिसाब दे रहा है। बीते एक दिन में 60 में से 56 मौतें पुरानी हैं, जिनकी जानकारी देरी से इन राज्यों ने दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में 3,377 लोग संक्रमित मिले। इस दौरान 60 मरीजों की मौत दर्ज की गई। उत्तराखंड के 4 जिलों में मिले 21 नए कोरोना संक्रमित। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 4 जिलों में 21 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 7 मरीज ठीक हुए हैं। संक्रमित मामले बढ़ने से सक्रिय मामले 100 के पार पहुंच गए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 13, नैनीताल में 5, उत्तरकाशी में 2, हरिद्वार जिले में 1 संक्रमित मिला। बस किराया भीड़ के हिसाब से तय होगा। तो रोडवेज ने पर्यटन और 4 धाम सीजन में यात्रियों की संख्या को देखते हुए किराया ज़्यादा या कम करने की छूट देने का प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरण को दे दिया है। इसके बाद सरकार ने भी रोडवेज के इस प्रस्ताव को किराया बढ़ोतरी के प्रस्ताव में शामिल करने के निर्देश कमेटी के संयोजक दिनेश पटोई को दे दिए हैं। यदि STA इसकी इजाज़त देता है तो रोडवेज के अलावा अन्य बस संचालकों को भी यह अधिकार मिल जाएगा। पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च पर बवाल। तो पंजाब के पटियाला में शुक्रवार को बिना अनुमति खालिस्तान विरोधी मार्च निकाल रहे शिवसेना के कार्यकर्ताओं की सिख संगठनों के सदस्यों से झड़प हो गई। दोनों ओर से पथराव हुआ, तलवारें लहराई गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। शहर में तनाव के मद्देनज़र कर्फ्यू लगा दिया गया है। देहरादून को प्लास्टिक मुक्त करने आगे आए 48,000 छात्र शिक्षक। तो नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किया जागरूकता अभियान। 4 धाम यात्रा के लिए 580 बसें रिजर्व रहेंगी। तो 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को धामों तक सहज और सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए परिवहन विभाग ने 580 बस और टेम्पो ट्रेवलर का रिजर्व पुल तैयार कर लिया है।
चैन लुटेरों की तलाश में यूपी दिल्ली तक पुलिस की दबिश। तो दून में बीते रोज 4.5 घंटे के अंदर अंदर चैन लूट की 5 वारदात से दहलाने वाले बाइक सवार 2 बदमाश दूसरे दिन भी पुलिस की पकड़ में नहीं आए। इधर DIG जन्मेंजय खंडूरी ने पूरे जिले की फोर्स को इसके खुलासे में लगा दिया है। यूपी दिल्ली तक दबिश दी जा रही है। पछवा दून छावनी में तब्दील किया गया है। नर्स की नौकरी दिलाने का झांसा देकर के 2.36 लाख रुपए ठगे गए। योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई से 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। इस दौरान वह यमकेश्वर के महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय विद्यानी का दौरा करेंगे। साथ ही 5 मई को हरिद्वार में उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम के भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करेंगे। सरकार पर डीजल पेट्रोल सस्ता करने का दबाव। तो सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ रियायत देने पर विचार करेगी। भाजपा प्रदेश संगठन इस बाबत सरकार के सामने प्रस्ताव रखने जा रही है। 27 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों से तेल कीमतों में कटौती का अनुरोध किया था। कोयले की आपूर्ति को कसी कमर। तो बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियों तक तेजी के साथ कोयला पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने कई पैसेंजर ट्रेनों का संचालन रद्द करने का फैसला किया है। इसमें 16 मेल और एक्सप्रेस दैनिक ट्रेनों के अलावा ट्रेनों के 670 फेरे शामिल हैं। ज़्यादातर ट्रेनों का संचालन 24 मई तक रोका गया है। स्वास्थ्य बिगाड़ने लगी धूप और लू के थपेड़े। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही शुक्रवार को सिविल अस्पताल की OPD में बढ़ गए हैं 30 से 40% मरीज। वही खबर है भगवानपुर से। इसमें की खरीद में 2 को गिरफ्तार किया गया। गंग नहर में स्टंट कर रहे युवक खदेड़े। तो गंग नहर में पुल से कूदकर स्टंट करने वाले और गंग नहर किनारे सीढ़ियों पर बैठे युवकों को पुलिस ने खदेड़ दिया। शिकायतें अब तेजी से निपटेंगी। तो मुख्यमंत्री को भेजी जाने वाली शिकायतों पर अब विभागों को तेजी से कार्रवाई करनी होगी। ये शिकायतें कंप्यूटर पर एक क्लिक करते ही संबंधित विभागों के सचिवों और आला अधिकारियों तक पहुंचेंगी। साथ ही शिकायतों को भी उनके मोबाइल फ़ोन पर संदेश प्राप्त हो जाएगा। विभाग से की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी उनके फ़ोन पर उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री संदर्भों और पत्रों के ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग। इंटर्न्स ने अंतिम वर्ष के छात्रों को पीटा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में इंटर्न्स ने MBBS अंतिम वर्ष के छात्र को गुरुवार रात पीट दिया। इस पर विद्यार्थी ने इंटर्न्स के खिलाफ पिटाई के साथ ही रैगिंग की भी शिकायत कर दी। चीन झुका, भारतीय छात्रों को वापस आने की देगा अनुमति। तो भारत की सख्ती के बाद चीन की अकड़ ढीली पड़ गई है। उसने चीनी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों में से कुछ को वापस आने की अनुमति देने की घोषणा की है। कई राज्यों में और गहराया बिजली संकट। तो उत्तर और मध्य भारत में अभूतपूर्व गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड 2.1 लाख मेगावाट के करीब पहुंच गई। हालांकि इस बीच बिजली उत्पादन संयंत्रों में कोयले की कमी से मांग के मुकाबले आपूर्ति में गंभीर कमी आई है। उत्तराखंड में रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की डिमांड, कटौती बरकरार। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में बिजली की खपत बढ़ती जा रही है। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, आज कॉन्फ्रेंस में लेंगे भाग। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार शाम नई दिल्ली रवाना हो गए। वह शनिवार को नई दिल्ली विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों व मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। तंबाकू मुक्त राज्य बनाने के लिए चलेगा अभियान। तो 30 अप्रैल से 31 मई तक सभी जिलों में होंगे जागरूकता कार्यक्रम। शिक्षा विभाग के पात्र अधिकारियों को मिलेंगे वाहन। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग के में पात्र अधिकारियों को वाहन सुविधा मिलेगी। मामले को लेकर शिक्षा महानिदेशक और माध्यमिक व बेसिक शिक्षा निदेशक को तलब किया गया है। उत्तराखंड में भूसे का संकट। तो बड़ी दिक्कत, प्रदेश में दुगने से अधिक दाम पर बिक रहा है भूसा। UPCL की प्रोफेशनल परीक्षा स्थगित की गई। तो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की 1 मई को होने वाली प्रोफेशनल परीक्षा स्थगित कर दी गई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के खबर आई है।
यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़ की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हुआ है, इनकी जो लिस्ट है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन्हें 5 मई को 11 बजे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़ में उपस्थित होना है। वहाँ पर इनके प्रमाण पत्रों की जाँच होगी। वही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें प्राथमिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें भी जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनकी लिस्ट जो है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनके प्रमाण पत्र की जाँच के लिए 5 मई को 11 बजे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय पौड़ी में बुलाया गया है। तो इन जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वो एक बार स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर देख लें और उस आधार पर 5 मई को अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पौड़ी में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने रिजल्ट जारी किया है। तो इसमें 757 पदों पर ये रिजल्ट जारी किया गया है। ये परीक्षा जो है वो 31 अक्टूबर 2021 को प्रातः 10 बजे से 12 बजे और 2 बजे से 4 बजे के बीच हुई थी। इसमें कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, अमीन संग्रहकर्ता टाइपिस्ट आदि पदों पर ये भर्ती निकाली गई थी। तो इसके लिए जो है वो यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें श्रेष्ठ सूची के आधार पर जो है ये रिजल्ट जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पर टाइपिंग वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिजल्ट में अगर कोई आपत्ति है तो वे 15 दिन के भीतर अपनी आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें जो है पदों की संख्या को बढ़ाया भी गया है। तो पहले ये पद 746 थे जिसको बढ़ा करके 757 कर दिया गया है और उस आधार पर जो है यहाँ पर लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। बात करते हैं जॉब रेट को लेकर के, तो CSIR में 70 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTPC लिमिटेड में 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए अभ्यर्थी 13 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एम्स में 413 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली हुई है जिसके लिए अभ्यर्थी 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार रेजिमेंटल सेंटर में भर्ती निकली हुई है जिसके लिए इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। केदारनाथ में रात को रुक सकेंगे सिर्फ 6,000 श्रद्धालु, तो पैदल मार्ग के पड़ावों पर 2,000 श्रद्धालुओं के रहने की होगी व्यवस्था। चारधाम यात्रियों के लिए पेयजल आपूर्ति सुधारने की कवायद तेज कर दी गई है। वही खबर है उत्तरकाशी से, नेलांग जादुंग के लिए सिंगल विंडो से परमिट। तो अंतर्राष्ट्रीय भारत चीन सीमा से लगे इनर लाइन क्षेत्र में स्थित नेलांग व जादुंग में अब ट्रैकिंग हाइकिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से परमिट जारी होंगे। वही खबर है 24 घंटे में 155 जगह धतके जंगल। तो इस बार अब तक 1,992 घटनाओं में 2,785 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कुमाऊं में भी वनों की आग विकराल हुई है। वही खबर है रुद्रप्रयाग से जलती तिल्ली जंगल में फेंकने पर युवक को गिरफ्तार किया गया। रुद्रप्रयाग से खबर है केदारनाथ सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ, तो कहीं रिमझिम बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हुई। तो शुक्रवार अपराह्न 3 बजे मुख्यालय में बादलों की गर्जना के साथ कहीं रिमझिम बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हुई। वही खबर है हैदराबाद से आंगनवाड़ी केंद्र से मिले पोषाहार में दिखे कीड़े। तो बाल विकास मंत्री रेखा आर्या शुक्रवार को हरिद्वार में थी, वहीं बोंगला गांव स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को बांटे जाने वाले पोषाहार की खजूर में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया। दुष्कर्म पर कर किशोरी को पुलिस के सामने दूसरी मंजिल से फेंका, तो किशोरी की हालत गंभीर, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
3 मई को भारी बारिश के आसार येलो अलर्ट जारी। तो मैदान से लेकर पहाड़ तक पिछले दिनों से गर्मी की तपी झेल रहे लोगों के साथ ही वनाग्नि से धधक रहे जंगलों को बचाने में जुटे वन विभाग के कर्मचारियों के लिए यह खबर राह देने वाली है। मौसम विभाग वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने और स्थानीय स्तर पर हवाओं के दबाव के चलते जहां 3 मई को राजधानी दून समेत मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त बारिश की संभावना है। वही खबर है, देहरादून से शहर के लोगों को मिलेगी वाईफाई की मुफ्त सुविधा। तो राजधानी के 100 स्थानों पर स्मार्ट पोल लगाने के साथ ही 30 सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे। चैन लुटेरों का वारदात के 40 घंटे बाद भी नहीं लगा सुराग। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान खानापूर्ति साबित। तो प्रेमनगर से अतिक्रमण हटाकर लौटी टीम फुटपाथों पर फिर कब्जा, आज फिर चलेगा अभियान। शहर में फैला ठगों का जाल, हर दिन कोई ना कोई हो रहा शिकार। तो कहीं नौकरी के नाम पर दे रहे झांसा, तो कभी आधार कार्ड अपडेट के नाम पर मांग रहे हैं ओटीपी। वहीं खबर रही है, साइया से ब्रेक फेल होने से सड़क पर पलटी जीप, 5 घायल। तो क्षेत्र के ग्राम क्वाला से विकास नगर की ओर जा रही एक यूटिलिटी जीप के अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटने से जीप सवार 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए। वही खबर है, रुड़की से 2 बदमाशों ने गणेशपुर में पार्षद के दफ्तर पर की फायरिंग, 1 घायल हो गया। चिंताजनक, फिर 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, 60 लोगों की मौत हो गई। डीजीपी ने अधिकारियों और डीआईजी ने थानेदारों को लगाई फटकार। तो फुटेज के आधार पर लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश, दिल्ली और यूपी भेजी गई टीमें। ज्यादा अंक लाने का दबाव बढ़ा सकता है परीक्षा में तनाव। तो बोर्ड परीक्षार्थियों को केंद्रीय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य ने दिए कई सुझाव। खेलो इंडिया के लिए प्रदेश की टीम दिल्ली रवाना हुई। कर्मी के निलंबन के दूसरे दिन भी हंगामा। तो आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में नगर पालिका के पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार के निलंबन की मांग को लेकर के जौनपुर क्षेत्र के लोगों का हंगामा दूसरे दिन भी जारी रहा। वही खबर यह, साइया से ब्रेक फेल होने से सड़क पर पलटी जीप। पिंक सिटी की तर्ज पर दिखेगा पलटन बाजार। तो मेयर और विधायक ने की फसाद परियोजना के तहत बैठक। सहारनपुर से आ रहे पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे, तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की कार्रवाई, देहरादून और रुड़की में होनी थी बिक्री। वही खबर, देहरादून से दून रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी का गहराया संकट। विरासत की आखिरी शाम, तलत अजीज की गजलों के नाम। तो विरासत 2022 के समापन पर मशहूर गजल गायक तलत अजीज और जोनसार बाबा संस्कृति रंगमंच ने मचाया धमाल। कल होगी भैरवनाथ पूजा, 2 मई को प्रस्थान करेगी डोली। तो पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा की तैयारियां जोरों पर है। वही खबर है, गोपेश्वर से दुष्कर्म में 10 साल की सजा। तो गोपेश्वर में 3 साल पहले हुई थी घटना, 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। वही खबर है, जोशीमठ से जुगजू गांव में फिर हुआ भूस्खलन। तो सीमांत क्षेत्र के जुगजू गांव में ऊपर पहाड़ी से दोबारा भूस्खलन हो गया। वही खबर है, गोपेश्वर से थराली के 2 गाँव में नष्ट की भांग की खेती। श्रीनगर से खबर है, जंगल की आग से घिरा सांपला गांव। तो श्रीनगर रेंज में लगी आग बुझाने में जुटी ग्रामीणों और वन विभाग की टीमें। पौड़ी से खबर है, स्कूटी सवार पर लोहे की रॉड से वार। तो थाना क्षेत्र पैठानी के चाकीसेन से स्कूटी से अपने गांव जा रहे होटल संचालक पर एक व्यक्ति ने लोहे की रॉड से वार कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। वही खबर है, नई टिहरी से पालिका बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ। बड़कोट से खबर आई है, 100 मीटर दौड़ में दीपक व अनामिका ने मारी बाजी। शक्ति बिजली दफ्तरों में 11 बजे से पहले नहीं चलेगा एसी। तो ऊर्जा निगम के एमडी ने जारी किए निर्देश। बात कर हरिद्वार की खबरों की, तो जंगलों में आग लगाने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। तो वनाग्नि को रोकने के लिए जिलाधिकारियों ने अधिकारियों के साथ बैठक की।
सीएम योगी के आगमन को लेकर के तैयारियां परखी गई। वहीं खबर हरिद्वार से, सुमन नगर में 5 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। 13 संस्थानों को मिला ग्रीन चैंपियनशिप अवार्ड। तो पतंजलि विश्वविद्यालय में शिक्षण के अलावा ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए दिया गया अवार्ड। गुरुकुल की योगासन टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं खबर है हैदराबाद से, लोडर ने बाइक को मारी टक्कर, बच्ची की मौत हो गई। हरिद्वार से खबर है, स्विमिंग पूल में बच्चे के डूबने के मामले में 2 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दुष्कर्मी को कमरा दिलाने के आरोपी की जमानत रद्द की गई। वहीं खबर आई है, हरिद्वार से बाइक सवार युवकों ने महिला से मोबाइल छीना। अलविदा जुम्मे पर दुआओं के लिए उठे हाथ, तो शहर और देहात के मस्जिदों में अदा हुई नमाज। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की, तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो रूट प्लान जरूर देख लें। तो जिला पुलिस ने सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार के लिए फिर से रूट डाइवर्ट प्लान जारी किया है। वहीं खबर है, जंगल में आग लगा रहा व्यक्ति पकड़ा, केस दर्ज किया गया है। टीटी का फर्जी प्रमाण पत्र मिलने पर शिक्षिका बर्खास्त। तो शिक्षा विभाग में हुई तमाम नियुक्तियां हमेशा से ही शक के घेरे में रही हैं। जांच प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे मामले सामने आ रहे हैं। 2 दिन में शिक्षा विभाग 3 शिक्षकों को बर्खास्त कर चुका है। इसके अलावा कई अन्य की अभी जाँच चल रही है। नौकरी के समय दस्तावेजों की सघन जाँच न होना विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। 5 साल की नौकरी के बाद मिला फर्जी टीटी प्रमाण पत्र। स्वास्थ्य विभाग तैयार आदेश का इंतजार। तो 5 से 12 साल के बच्चों को अब लगेगी कोविड वैक्सीन। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो आग बुझाने का साधन बना हरी टहनियों का झापा। थल के जंगलों में लगी भीषण आग। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से पिथौरागढ़ लौट रही निर्वाचन विभाग की गाड़ी पर गिरा पत्थर। धारचूला से खबर है, सड़क निर्माण के लिए रुंग के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। आउटसोर्स कर्मियों को हटाने से टीकाकरण प्रभावित। तो 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को टीका लगाने की रफ्तार बेहद धीमी है। मनीष बने चंपावत के डिप्टी कलेक्टर। करोड़ों की पेयजल योजना से नहीं बुझ रही प्यास। तो पार्टी चंपावत से खबर आई है। वही खबर यह है, टनकपुर से मां पूर्णागिरी धाम क्षेत्र में बनेगा स्थायी टीम शेड। चंपावत में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कसी। बागेश्वर में बारिश से तापमान 4 डिग्री लुढ़का। वही खबर है, अल्मोड़ा से 12 से 18 साल के 100% बच्चों को लगी कोरोना की पहली डोज। तड़ाग ताल में अनशन जारी। वही खबर है, काशीपुर से स्टाफ ना होने से बंद है ऑक्सीजन प्लांट। काशीपुर से खबर है, गैस रिसने से अस्पताल में मची अफरा तफरी। वही खबर है, खटीमा से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। तो युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। वनबसा के अस्पताल में 128 दिन के बाद आई बिजली। काशीपुर में गैस पाइपलाइन फटी, खलबली मची। तो पीएचडी नारायण नगर के पास सीवर लाइन खुदाई के वक्त हुआ हादसा। वहीं खबर है, खटीमा से युवती को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म का आरोप लगा। बीकॉम 5वें सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने बीकॉम 5वें सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया। दिल्ली की ट्रैवल एजेंसी की बस में आया उत्कर्ष। तो पुलिस जाँच में सितारगंज में मिली बस की लोकेशन। काशीपुर में अब मरीजों की कोविड जांच अनिवार्य कर दी गई है। महंगाई, धान, सोयाबीन और मूंग के बीज के दाम 10 से 15% तक बढ़ गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई तक। तो एसएचजे परिसर के प्रथम सेमेस्टर की छात्राओं की परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 मई है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुशील कुमार जोशी ने यह जानकारी दी। प्रशिक्षण के लिए 15 मई तक करें आवेदन। तो जिला पर्यटन विकास अधिकारी अमित कुमार लोनी ने बताया कि रानीखेत क्षेत्र में संचालित होम स्टे संचालकों के लिए 5 दिनी प्रशिक्षण प्रस्तावित है। संचालक 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं।
श्री गोलजू यात्रा का दौरा हाट में भव्य स्वागत किया गया। अल्मोड़ा बागेश्वर में अकीदत से आखिरी जुम्मे की नमाज अदा की गई। वहीं खबर है, रानीखेत से पेयजल समस्या ग्रस्त गांवों के लोग करेंगे बेमियादी प्रदर्शन।